हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले भी वीडियो में मैंने चैप्टर 8 के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने सारे साइन, टैन, कॉट, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसके सारे रेशियोज बता रखे हैं और अच्छे से समझा रखा है कि जब एंगल ए होगा तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब एंगल सी होगा तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज, उस वीडियो को ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए गाइज, मैं इसमें बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। दैट मीन्स देखिए, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, बी 90 डिग्री है और आपको एंगल ए भी फाइंड आउट करना है और अकॉर्डिंग टू एंगल सी भी फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट में साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है, यानी इसका रेशियो निकालना है, और सेकेंड में साइन सी और कोस सी निकालना है। जबकि आपको देखिए, बी सी गिवन है, ए बी गिवन है, आपको ए सी फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए सी इजकल टू क्या होगा, मैंने फॉर्मूला बता रखा है उस वीडियो में, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर गाइज। तो देखिए, ए बी ए स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। रूट अंडर 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 625, ओके। और 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम में पेयर लगा दीजिए, पेयर में से एक एक निकाल दीजिए तो वही आपका जो है स्क्वायर रूट होगा। तो 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए आप निकालते हैं साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। साइन ए, ए निकालना है, ए के सामने का साइड पी होगा, तो यानी आपको निकालना है बी सी अपॉन एच, कभी नहीं चेंज होता ए सी, ओके गाइस। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है तो वहाँ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। जो साइन, जो एंगल आपको लेना है उसके सामने का साइड जो है परपेंडिकुलर होगा, तो बी सी यानी 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, तो कॉस ए का बी कौन सा होगा, ए बी होगा गाइज, ए बी अपॉन ए सी, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, आपको निकालना है साइन सी, साइन सी इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, लेकिन साइन सी, सी के सामने का साइड ए बी होगा परपेंडिकुलर, ए सी होगा एच, तो ए बी यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, ये आपका रेशियो हो गया। अब निकालना है कॉस सी, अब निकालना है कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू बी अपॉन एच, तो इसमें बी कॉस सी का बी कौन सा होगा, बी सी होगा गाइस, तो बी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर, ओके गाइस। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह आप किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं गाइस। इस तरह मैंने क्वेश्चन बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।